मोटापा मजाक का विषय क्यों है पता नहीं मुझे क्यों पतला बन क्यों नहीं मजाक का मतलब ज़्यादा पतले होते तो वो भी मजाक बन जाते हैं नहीं मोटापा हमेशा ही मजाक का विषय है हाँ ये तो मुझे पता उसी से बहुत पैसा कमाया मैंने और टैलेंट तो पता नहीं था लेकिन इसका श्रेय मैं देना चाहूँगी अपने मोटापे को भी और हाफ अपने टैलेंट को और सबसे ज़्यादा अपनी माँ को अगर मेरी मम्मी मुझे एक बार मुंबई ना लेकर आती तो ना ये मोटापा काम आता ना मेरा टैलेंट काम आता क्योंकि मैं पंजाब से हूँ बहुत छोटे शहर से और बहुत छोटी उम्र में मेरे फादर गुजर गए थे तो सब मम्मी कर रहे थे तो जब लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन शुरू हुए तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरे को जैसे मेरे ये सुदेश लहरी कपिल शर्मा ये सब मेरे टीचर हैं मुझे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में कॉमेडी प्ले करवाने आते थे तो जब उन्होंने बोला कि ऑडिशन हो रहे होटल में तो मैं डर गई क्योंकि मेरी सोच इतनी छोटी थी मुझे लगता था होटल में अगर डायरेक्टर बुलाता ऑडिशन के लिए तो गलत ही करता है वहाँ पे क्योंकि फिल्मों में देखा था ना साड़ी सुड़ी पकड़ लेते हैं अरे आपको चांस देंगे हीरोइन बना देंगे वो सब देख देख के ना दिमाग ख़राब हुआ था तो मैं अपनी छः सहेलियाँ लेकर गई थी और फोन ऑन करा था कि जैसे मेरी चिल्लाने की आवाज़ आई तुम पुलिस लेके आ जाना इतनी गलत सोच थी मेरी मैं ऊपर गई डायरेक्टर शॉर्ट्स में और बनियान में बैठे थे मैं कल ये तो तैयारी में बैठा है पूरी मैं मैं पूरे मेरे को पसीनों पसीन में कैमरा लगाया हुआ था कहते क्या कर सकती हूँ मैं क्या सर मतलब नहीं नहीं कॉमेडी में क्या कर सकती हूँ मैं क्या सर मैंने जितने भी आज तक कॉमेडी के प्ले किए थे मैंने बिना रुके एक सांस में सब कर दिया वो देखे गए उनको समझ नहीं आया कि इसने क्या किया उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप जाओ बताते हैं आपको उनको लगा कि अगर मैं उनको पता नहीं क्या दिखा मेरे में पंद्रह बीस दिन कोई फ़ोन नहीं आया फिर फोन आया एक लड़की का इतनी इंग्लिश बोली मैंने तो पहले रख दिया क्योंकि हमारी पूरी फैमिली में कभी पंजाब वालों तो इंग्लिश वैसे कम इतनी सुनी नहीं होती <laughs> तो उसने बोला मैंने उसने बोला कि मैं एंडे मॉल से बोल रही हूँ प्रोडक्शन हाउस से तो मैंने मम्मी को कहा कोई अंडे बेचने वाले फ़ोन कर रहे हैं <laughs> बॉम्बे से तो मम्मी ने कहा मैंने कहा वो क्या होता है बोले प्रोडक्शन हाउस होता है मैं कहा वो क्या होता है बोलते हम लाफ्टर चैलेंज बनाते हैं और आप शॉर्ट लिस्ट में हो मुंबई आ सकती हो मैंने बोला एक मिनट मैं सारा मम्मी बुलाते पे सानू बॉम्बे कहेंदे पे आना तो मम्मी कहते और पैसे भी नहीं थे कि कैसे जाएंगे क्योंकि रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे ऐसे वाला था तो मैंने बोला कैसे आना है बोला आप अपनी मम्मी के साथ आ सकती है अपना नाम दीजिए मैं आपको मैसेज करती हूँ पी नंबर मेरे को पी भी पता नहीं था क्या होता है वो नंबर आया मैं ले लेके वही घूम भी जाऊँ मैंने टीचर को बोला मैं कहा ये पी नंबर क्या होता है कहती बेटा ट्रेन का भी होता है फ़्लाइट का भी मैं क्या मैम ये देख दो जरा कहती ये फ्लाइट का है फ्लाइट का टिकट था और हमको पता ही नहीं था फ्लाइट कैसे पकड़ते हैं जो रियल मैं वह बता रही हूँ क्योंकि मैं कभी भी बनावटी नहीं बनती कि नो हम फर्स्ट टाइम नहीं बैठे थे पहले भी जा बिल्कुल भी नहीं हमको पता ही नहीं था हमने मेरी में और मेरी मम्मी ने ट्रॉली भी नहीं लिया था हमको लगता है शायद वो भी पैसे से होती है जो ट्रॉली हम सामान लेके जाते हैं ना तो एक अंकल आंटी कुछ जो जो कर रहे थे हम उनके पीछे वही कर रहे थे वो सामान दे रहे थे हम सामान दे रहे थे बोर्डिंग पास दे रहे थे हम बोर्डिंग पास ले रहे थे हमने सब उनके पीछे किया और जैसे ही बॉम्बे आए तो मैं जब बॉम्बे लैंड होने वाले थे तो रात हो गई थी मैं नीचे देख रही थी इतनी लाइटें पानी तो ऐसे लगता है ना कि जब हम अपने घर जाते हैं वापस तो एक सुकून मिलता है ना मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर आ रही हूँ वापस तो इतना अच्छा लगा मुझे और 2008 28 मार्च जेट एयरवेज़ मेरी जिंदगी की पहली फ्लाइट और आज मैं इतनी कंट्रीज़ इतनी सिटीज़ इतनी फ्लाइट्स ले चुकी हूँ कि मुझे खुद भी याद नहीं और मैं जितना भी श्रेय देना चाहूँगी मेरी मम्मी को देना चाहूँगी क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स ने बोल दिया था अरे बॉम्बे लेके जा रही है लड़की को देखना इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा सर पे बाप नहीं है हम तो नहीं आएंगे भैया इसकी शादी में ऐसा ऐसा करेगी ये वो अभी भी लोगों की सोच इतनी घटिया है कि उनको लगता है कि बॉम्बे में अगर लड़की जाती है तो गलत तरीके से आगे बढ़ती है वो बिल्कुल भी नहीं जितने भी लोग मुझे टी वी सुन रहे हैं देख रहे हैं प्लीज़ ये सोच निकाल दीजिए क्योंकि मुंबई में टैलेंट की कदर बहुत होती है आई नो पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती करते हैं कुछ लोग ऐसा लेकिन उनको लगता है कि हम टैलेंटेड नहीं हैं हमारी ब्यूटी है तो इससे काम लो लेकिन मुंबई में टैलेंट की बहुत क़दर होती है आज एक मोटी लड़की हैवी वेट लड़की नौ साल से ऐसी जगह पर खड़ी है कि दूसरी कोई लड़की उसको टच कर नहीं पाई अगर मेरी माँ ये ना करती तो शायद मैं आज यहाँ पर ना बैठी होती और आज तक पे लाइव ना जा रही होती वो सब श्रेय जाता है मेरी मम्मी को और मेरे सबसे पहले डायरेक्टर लाफ्टर चैलेंज के पंकज सारस्वत जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के लेकर आए और उसके बाद मिस्टर विपुल डी शाह जिन्होंने मुझे इतना परखा इतना परखा कि आज भारती जहाँ पे खड़ी हो जाती है बचाव में तो मैंने कितने बार बड़े बड़े स्टार्स के यहाँ से पसीना आते देखा है कि क्या पूछोगी आप आ, ऐसा वैसा तो नहीं पूछ लोगी मुझे खुद डरने लग जाता है कि ये मेरे से क्यों डर रहे हैं और सब श्रेय देना चाहूँगी मैं अपनी मम्मी को पंकज सारस्वत को और विपुल डीशा को और आप जनता को जो मुझे इतने प्यार से सुनते हैं सो क्यूट मतलब मैं इतना फ्लर्ट करती हूँ अगर वही कोई पतली लड़की करे ना हाय शाहरुख सर मैं किस कर लूँ मैं वो सब चीज़ें करती हूँ आपने देखा होगा शोज़ में अक्षय बच्चन साहब शाहरुख सलमान गोद में बैठ जाती हूँ सलमान सर को कितना बार बोल दिया कि सर मुझे लगता है कि आप ही और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने शादी कर लें या शाहरुख जी को बोल देती हूँ आपके तीन बच्चे हैं तो दो बीवियाँ होनी चाहिए मम्मी से कब बात करोगे ये सब बोल देती हूँ ये सब आपने मैम पूछा ना तो ये सब मोटापे की वजह से क्यूटनेस में आ जाता है यही कोई पतली लड़की करेगी ना अरे क्या कर रही है यार तो वो लगेगा तो थैंक यू सो मच गोड पहले मैं भगवान को बोलती थी मुझे कितना मोटा बनाया कपड़ा कोई फिट नहीं आता आज मैं माफ़ी मांगती हूँ भगवान के आई एम सो सॉरी भगवान मैं आपको इतना कुछ बोलती थी भगवान जो करते हैं सोच के करते हैं और मुझे मोटा बनाया तो सोच के बनाया आप कितने प्यार से देख रहे हैं सर मुझे